हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं NVS PGT ज्योग्राफी का पेपर। दोस्तों, ये पेपर 13 जून 2019 को हुआ था। यहाँ मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि ये पेपर ऑनलाइन हुआ था। आज हम इस पेपर में चर्चा करेंगे जर्नल हिंदी वाले भाग पर, जो कि 20 मार्क्स का है। दोस्तों, शुरू करने से पहले एक और चीज़ आपको बता दूँ, NVS से संबंधित अन्य पेपर भी हमने हमारी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। आप उन्हें हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। शुरू करने से पहले, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएँ ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं जर्नल हिंदी का ये पेपर। आए महंत बसंत में कौन सा अलंकार है? तो सही जवाब है रूपक अलंकार। ईश्वर में विश्वास करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा आस्तिक। अवस्था और सिक्का दोनों के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है मुद्रा। आचार्य का स्त्रीलिंग शब्द है आचार्या। स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कौन सा युग्म अशुद्ध है? सही जवाब है चंचल चंचली। पिताजी को तार देकर बुला लो वाक्य में तार शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? टेलीग्राम। स्वरों का मेल किस संधि में होता है? ये होता है स्वर संधि में। टोकरी में एक फल रखा है वाक्य में फल का वचन है एक वचन। जिसका वर्णन ना किया जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अवर्णीय। बेकार समय नष्ट करना वाक्यांश के लिए उचित मुहावरा है झक मारना। कौन सा पुल्लिंग शब्द है? अनुज। साधु शब्द का बहुवचन विभक्ति रहित होगा साधु। दिल्ली में तेज बारिश होना आम बात है वाक्य में आम शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? सही जवाब है साधारण। विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही है? आदर्श यथार्थ। तपस्विनी का पुल्लिंग रूप लिखिए तपस्वी। अतिवृष्टि का विलोम है अनावृष्टि। पलक झपकाए बिना एक टक देखना वाक्यांश के लिए एक शब्द है निर्निमेश। बादल और हथौड़ा दोनों के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है घन। जिसका मन कहीं और लग गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है अनेमनस्क। काली मिर्च का समास विग्रह है काली है जो मिर्च।